प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टाम्प विभाग के कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित उप महानिरीक्षक निबंधन व सहायक महानिरीक्षक निबंधन मौजूद रहे। इस दौरान स्टाम्प पंजीयन शुल्क की IG डॉक्टर रोशन जैकब ने विभाग में 5 वर्षों से लंबित मामलों की समीक्षा की तथा उसका जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्टाम्प शुल्क के संबंध में जानकारी देते हुए राजस्व को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। तो मंत्री जी, आपसे आप सभी से बात करेंगे क्योंकि आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले मैंने सोचा बहुत शॉर्ट में हम लोग जो ADM फाइनेंस और AIG जो जनपद में जिन कार्यों की समीक्षा करते हैं बहुत ब्रीफ में 3-4 बिंदु पे हम लोग एक आंकलन आपके सामने रखेंगे। कोरोना काल में हम लोग समझ रहा है कि प्रत्येक जनपद बहुत ही व्यस्त था, किसी के पास भी वक्त नहीं रहा होगा विभाग के कार्यों की समीक्षा करने या वसूली के लिए या स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट केस करने के लिए। तो इसलिए मई तक की फिगर्स में हम लोग बहुत जोर नहीं दे रहा है, मगर अब 1 महीना और आगे बढ़ गया है, वित्तीय वर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को इसको देखना जरूरी है। वसूली रेवेन्यू को भी, आपसी वसूली को भी, स्टाम्प वालों के निस्तारण में भी और डीड्स के मौके पर सत्यापन में भी, और एक जो ACCs के अपॉइंटमेंट है जो ई स्टाम्प्स के प्रचलन के लिए जो विभाग कोशिश कर रहा है उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज का एक प्रमुख बिंदु यह है कि हम लोग विभाग के कार्यों की तरफ आपका फिर से ध्यान आकर्षण करना चाह रहा है। तो जैसे रेवेन्यू का फिगर है जिसपे मैं बात करूंगी वो विभागीय फिगर से, ट्रेजरी का फिगर नहीं है क्योंकि ट्रेजरी का फिगर आगामी मार्च 5 तारीख के बाद ही मिल पाएंगे, मगर फिलहाल जो मेरे पास है उसके बेसिस पर 3-4 विषयों पे मैं बात करूंगी बहुत जल्दी। तो जैसे हम लोग आय की अगर बात करें, मंथली इनकम, जैसे मैंने कहा मई एंड तक की फिगर पे बात करना शायद कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा, इसलिए हम June 1 से लेकर 29 तारीख तक की अगर स्थिति देख लें तो मैं केवल उन मंडलों के नाम बता रही हूँ जो एक तरीके से 70% से भी नीचे हैं, फर्स्ट डिविजन नहीं मिला है या तो, जैसे अयोध्या है 58.9% में है, आज ये अलीगढ़ है 67, आज ये कानपुर 66.9%, गौतम बुद्ध नगर 55.6%, लखनऊ मंडल 61%, वाराणसी मंडल 64.3%। इसमें भी अगर हम प्रत्येक मंडल के जिलों को देखें, कुछ जिले ऐसे, कुछ जिले खैर अच्छा कर रहा है और कुछ मंडल के प्रतिशत को नीचे खींच रहा है, जैसे अयोध्या 50% में है, बाराबंकी 48% पे है, सुल्तानपुर 60 पे है, आगरा 66% पे है, मैनपुरी 67, वैसे ही आगे आजमगढ़ मंडल पे आते हैं तो आजमगढ़ 67% पे है, कानपुर में आएंगे तो कन्नौज 66%, कानपुर नगर भी अच्छा नहीं है 63.8, वैसे और गोरखपुर, तो गोरखपुर मेन जनपद 60%, नोएडा में इम्प्रूवमेंट की काफी आवश्यकता है, गौतम बुद्ध नगर खुद स्वयं 52% पे है जनपद, वैसे ही चित्रकूट में झांसी 69, मेरठ बॉर्डर लाइन केस है, लखनऊ मंडल में, वैसे ही विद्याचल में सोनभद्र 64%, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स हो सकता बंद हो, कुछ कर्मचारी अभी भी ड्यूटी पे नहीं आ रहा हो, व्हाटएवर बी द रीजन, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक कम है जिसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टाम्प वालों की अगर हम बात करते हैं तो स्टाम्प वालों की वैकेंसी में प्रदेश की अगर टॉप 15 में 5 साल से अधिक के केसेस 513 पेंडिंग है, वैसे 3 से 5 साल में 518 केस लंबे थे। प्रयागराज दूसरे नंबर पर 1795 और वैसे ही 5 साल के ऊपर के केस 121 पेंडिंग है।
आगरा 1794 केसर स्कूल अवशेष है जिसमें से 236 पांच साल के ऊपर है और पांच के नीचे भी 500 से अधिक केस है। गोरखपुर 1717, नोएडा 1286, वाराणसी 1111, बलिया 1008, लखनऊ 1000, मथुरा 971, बाराबंकी 941, गाजियाबाद 927, ऐसे करके मतलब देवरिया, अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर नगर तक सभी के मतलब टॉप 15 जनपद ये ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के स्टाम्प वालों की बल्क लोड दिया हुआ है। और इसमें हम लोग अगर प्रत्येक कोर्ट्स की देखा गया है तो चाहे वो एआईजी कोर्ट हो या एडीएम कोर्ट हो, दोनों की पेंडेंसी अधिक है। इन जनपदों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसमें भी दो प्रकार की वर्गीकरण करके देखना है। एक तो पुराने तो हम देखेंगे ही देखेंगे, मगर उसके अलावा जिसमें रीसेंट जो केसेस है जिसमें वसूली की संभावना ज्यादा है। एक तो हुआ है पुराने केस को खत्म करना जरूरी है, मगर साथ साथ जो पिछले एक साल में जो केसेस आपने स्पॉट करके बुक किया जिसमें आपको मालूम है कि रिकवरी पोटेंशियल है, जिसमें अधिक धनराशि निहित है, उसको ध्यान देके उसमें जल्दी डिसीजन देके वसूलना जरूरी है। इसके अलावा हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि कुछ एक सेटलमेंट टाइप की प्रोसेस भी अगर कोर्ट अपना ले, जैसे कई लोग ऐसा है जो स्टाम्प वादों में फंसा है मगर वो स्टाम्प डिफरेंस देने को तैयार, अगर उनको एक मौका मिले तो वो स्टाम्प की जो कमी स्टाम्प हुई है उसको जमा करने को तैयार रहता है सर। तो उसको अगर एक मौका अगर दे दें, एक सेटलमेंट टाइप की व्यवस्था दे दें, तो कई सारे लोग आके अपनी कमी जमा करना चाहेंगे। इस प्रकार के प्रयोग पूर्व में जिलों में हुआ है, आप लोग भी किए होंगे और वो सफल है हो सकता। तो वादों के प्रति थोड़ा अलर्टनेस रखना जरूरी है। आरसे की वसूली की संस्थिति अगर देख लें तो ये फिगर्स पूरी बात नहीं कह रहा है। उसका कारण है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो अपनी पोर्टल नया वो किया था उसके बाद अभी भी ऐसे आवास हो रहे कि जनपदों ने ठीक से अपडेट नहीं किया है। हाँ, अपडेट नहीं किया क्योंकि आरसे की संख्या और कुल जो हमारी मांग है, अभी प्रदेश की जो अवशेष मांग है केवल 412 करोड़ दिख रही है जो कि कम है, तो ये बहुत ही कम है। तो मेरा इसमें रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो मिलान कार्यक्रम सभी डीएम्स करते हैं फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, स्टाम्प की आरसीएस की मिलान जैसे आपके सीआरए दफ्तर से लेकर के स्टाम्प एआईजी के ऑफिस, सीआरए दफ्तर और नीचे तहसील स्तर पे डब्ल्यूबीएन सेक्शन, इन सब के बीच की एक रेकंसिलिएशन तुरंत करा लीजिए। क्योंकि स्टाम्प आप सभी एडीएम्स जानते हैं कि वसूली की पोटेंशियल सर्वाधिक है तो स्टाम्प केसेस में, सॉरी स्टाम्प की आरसीएस में है। जैसे हम लोग बिजली की वसूली नहीं कर पाते हैं, कई चीज ऐसे हैं जो मेहनत ज्यादा है और वसूली कम है, मगर बैंक लोग बैंक की आरसी और आपके स्टाम्प ऐसे चीज है जिसमें वसूली हो सकता है। तो इसमें ऐसा ना हो कि मिलान की कमी से कई सारे हमारे आरसी दब जाएं या उसकी फीडिंग ना हो, तो प्रत्येक आरसी को ढूंढ निकाल के उसकी फीडिंग करा दीजिए और एक ज्वाइंट अभियान डीआरजी जो सभी लोग सुन रहे होंगे, डीआरजी सुन रहे होंगे, आपको विभागीय बैठक में लखनऊ में भी बताया गया था, आपके नेतृत्व में एडीएम से सबसे टाइप करके एक रेकंसिलिएशन करवा लीजिए साल की शुरुआत मानते हुए, प्रत्येक आरसी को चिन्हित करके उसकी फीडिंग सुनिश्चित करा लीजिए और जो कहानी एआईजी के रजिस्टर में होता है वही स्टोरी आपके सीआरए दफ्तर में भी और वही कहानी तहसील में भी मिलना चाहिए। जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से अगर देख लें तो जहाँ सर्वाधिक अवशेष है, डिमांड जो मैक्सिमम अवशेष है वो जनपद है लखनऊ, बस्ती, बरेली। अगर आप सबसे टॉप की बात कर लें, लखनऊ, बस्ती, बरेली, नोएडा, वाराणसी, मथुरा, कानपुर नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बाराबंकी।